अज की सभा के अध्यक्ष मंच ते बैठे साढ़े सारे सत्कारयोग संगठन के आगू साहिबान, सामने बैठे साढ़े सारे बजुर्गों बच्चियो भरावो साड़ी मावा भैणा बैठिया ने, साढ़े मीडिया वाले वीर सारे एक बारी फतेह की सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े सिख भरा ज्यादा बैठे ने, पर मैं हिंदी च गल करांगा क्योंकि हिंदी की बोली गल दूजे स्टेटा च जानी जरूरी है। पंजाबी च ते बड़े लोग बोल रहे ने, हिंदी च बोलना इस करके जरूरी है कि दूजे स्टेट जिहड़े टेलीविजन देख रहे ने उहनां ते साडी गल जानी बहुत जरूरी है। सन्माननीय भाइयों बुजुर्गो, सबसे पहले हम उन शहीदों को नमन करना चाहेंगे, उनके चरणों में नमन करना चाहेंगे जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी कुर्बानियां देके, अपनी शहादतें देके इस आंदोलन को, इस आंदोलन में लगातार नई जान फूंकते रहे हैं। आप सबके आंदोलनकारी, सब आंदोलनकारियों के चरणों में शीश निवाना चाहेंगे जो पिछले एक साल से सड़कों पे बैठे हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, हमारे 8-8 साल के बच्चे सड़कों पे बैठे हुए हैं, उन सबको नमन करना चाहेंगे और आज आपको बधाई इस बात की देना चाहेंगे कि आपकी शहीदियों के कारण, आपकी कुर्बानियों के कारण, आपके सड़क में बैठने के कारण आज दुनिया का सबसे हठी प्रधानमंत्री, सबसे जिद्दी प्रधानमंत्री आज आपके आगे उसने उसको झुका है, उसने सिर नवाया है आपके आगे। हमने पहले ही कहा था, हमने बहुत बार अपने डिबेट में, बहुत बार अपने भाषणों में कहा कि जो हठी राजा होता है वो ना जनता के लिए अच्छा होता है ना अपने लिए अच्छा होता है। अगर पहले दिन मोदी हमारी बात मान जाता तो हो सकता है हमारे 700 जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें शहीद होने की जरूरत ना पड़ती और आज बीजेपी का अपना ग्राफ भी बचा रहता। लेकिन हमने एक बात और कही थी, मानेगा जरूर, 100 जूते भी खाएगा, 100 गड्ढे भी खाएगा। और हम आज भी मोदी जी को बता देना चाहते हैं, आज भी बता देना चाहते हैं कि हाथी निकल गया है, पूंछ पे जिद मत कर, अभी मान जा, अभी एमएसपी पे बात होनी बाकी है, अभी हमारे 700 किसान जो शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा देना बाकी है, अभी हमारे जो लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, 48,000 लोगों पे हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं। मैं सल्यूट करना चाहूंगा अपने हरियाणा और पंजाब के भाइयों को, पंजाब वालों ने ये आंदोलन शुरू किया, बहुत सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब वालों ने दी, लेकिन हरियाणा वालों को उससे भी ज्यादा सल्यूट करना चाहूंगा कि इन्होंने कम से कम 20 जगह से हरियाणा के प्रधान मुख्यमंत्री को भगा दिया। हमने चैलेंज कर दिया था हरियाणा के मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी हरियाणा में कहीं बढ़ के दिखा दे, और आप यकीन मानिए जिस दिन से ये फैसला किया था इनको भगाने का, उस दिन से हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक भी प्रोग्राम हरियाणा में नहीं करने दिया। आज हरियाणा के 48,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं, 48,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं आज हरियाणा के अंदर, और 307 के मुकदमे हैं, इरादा कत्ल के मुकदमे हैं सारे के सारे। साथियों, हम चेतावनी देना चाहते हैं इस सरकार को कि अभी टाइम है आपके पास, जब आंदोलन का फैसला होता है तब मुकदमों का फैसला भी साथ में होता है। कई लोगों के ऊपर रेड की गई, कई आड़तियों के ऊपर इसलिए मुकदमे दर्ज किए गए, इसलिए रेड मारी गई कि वो आंदोलन की मदद क्यों कर रहे हैं। कई हमारे एनआरआई भाई
जो बाहर से विदेशों से मदद कर रहे थे उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया कि वो इस आंदोलन की मदद क्यों कर रहे हैं। हम सभी बात मनवा के उठेंगे, जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा भी दिलवाना है, जो मुकदमे हैं उनके मुकदमे वापस करवाने हैं, एमएसपी की गारंटी का सवाल है। साथियों, एक आंकड़ा आया है कि पिछले 15 साल के अंदर जो एमएसपी से कम मिला है देश के किसानों को वो 45 लाख करोड़ है, यानी आज के वक्त में 3 से 4 लाख करोड़ प्रति साल एमएसपी से कम मिलता है और 7.5-8 लाख करोड़ का कर्जा है जो पूरे देश के किसानों पे एग्रीकल्चर का कर्जा है, जिसमें हर 32 मिनट में एक किसान मर जाता है। यानी अगर हम पिछले 15 साल का हिसाब लगा लें तो जितना हमारे पे कर्जा है इससे 4 गुना 5 गुना इससे हमें सरकार से लेना पड़ता है। इसलिए एमएसपी से बिना हमारा गुजारा नहीं है, हमें चाहिए, और बहुत से पॉइंट उसमें है। अगर सरकार बैठ के बात करे तो 50% समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है। इतना सा कानून बना दें कि बाहर से जो माल मंगाते हैं वो हिंदुस्तान के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कोई नहीं बेच सकेगा। बाहर से मक्का मंगाया, जिस दिन मक्का यहाँ पे 5 लाख टन आया, मक्के का भाव 2000 से 1200 पे रह गया। इस बार इन्होंने पाम ऑयल नहीं मंगाया बाहर से, खाने वाला तेल नहीं मंगाया। आप देखिए सरसों, आज सरसों हमारी 6500 रुपए एक क्विंटल तक बिकी है। इस बार देखिए आप, वो एक साल का नतीजा है, बाहर से खाद्य तेल नहीं मंगाया। इस साल गेहूं का एरिया बदल के तोड़िए के नीचे, गेहूं का एरिया बदल के सरसों के नीचे चला गया है। तो बहुत सी समस्याएं हैं जिन पे अभी बात होनी बाकी है, और हम अब भी जो है हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब आधा झुके से काम नहीं चलेगा, पूरा झुक जा वरना दंडौत करवा के छोड़ देंगे। तो साथियों, एक बार आपके आगे फिर नतमस्तक हैं, जो आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन लड़ा है कि सरकार की चूड़े हिला के रख दी है आप लोगों ने। आपका आंदोलन भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में गए, आपके आंदोलन की गूंज गई है और पूरी दुनिया में आपकी कुर्बानियों की गूंज गई है। तो हम अपने भाषणों को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हैं, क्योंकि बहुत से भाई बोलने वाले हैं। हम सल्यूट करना चाहेंगे उन सभी भाइयों को जिन्होंने इस आंदोलन में आगे बढ़ के कुर्बानियां दी, जिन्होंने आगे बढ़ के बहुत से इसमें जहां हमें उम्मीद रही थी वो कारनामे करके दिखा दिए। चाहे वो बैरिकेड तोड़ने के कारनामे थे, चाहे वो किसी और तरह के कारनामे थे, वो काम करके दिखा दिए जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम उन सभी को सैल्यूट करना चाहेंगे और आप सभी के चरणों में एक बार फिर नमन करना चाहेंगे, और एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहेंगे कि जब भी आंदोलन की जरूरत पड़े, सरकार बार बार धोखे करती है, सरकार बार बार हो सकता है कल 6 महीने बाद फिर कोई नया कानून लेके आए, हम सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी आपको आपके नेता आवाज लगाए सारे काम छोड़ के सड़क पे आ जाया करो। बस यही एक तरीका सरकार को झुकाने का। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज दी सभा दे अध्यक्ष मंच ते बैठे साढ़े सारे